सर आपको कितने समय से बैठा रखा है? हम लोग यहाँ करीब 2:30 बजे से बैठे हैं, 2:15 बजे से लगभग, और इंतजार कर रहे हैं कि हमने अपना बयान लिखित में दे दिया है। उन्होंने वो बयान DCP साहब को भेजा है, वो कह रहे हैं आप बयान आके दिखाओ, SHO उन्हें दिखाने गए। हमारा आज वाल्मीकि जयंती का घर पे प्रोग्राम है बंगले पर, जहाँ बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन SHO कह रहे हैं कि अभी रिक्वेस्ट करें कि रुक जाओ, तो हम रुक गए। अब जो लोग वहाँ हैं, मैं चाहूँगा या तो वो वहीं पर वाल्मीकि जयंती मना लें, हम जब फ्री हो जाएंगे हम आ जाएंगे। अभी कितना समय और बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं, वो भी जा रहे हैं दिल्ली गेट पे, अरुण जेटली स्टेडियम जा रहे हैं, फिरोजशाह कोटला, तो वहाँ जाके DCP साहब को बयान दिखाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर बल्कि ये कहें कि गृह मंत्री जी के पास बयान जाएगा, फिर वो देखेंगे कि इसमें क्या करना है, उन्हें जो करना है करें। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कट्टर सिपाही होने के नाते, बाबा साहेब के बनाए संविधान में और देश के कानून में मेरा बहुत अटूट विश्वास है। मैं किसी भी कीमत पर बाबा साहेब के बताए मार्ग से विचलित नहीं हो सकता, उस मार्ग पर चलूँगा। और ये जो रोज़ रोज़ हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है, रोज़ रोज़ हमारे भाइयों के मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, हम देख रहे हैं मंदिर प्रवेश पर हत्या हो रही है, घड़े छूने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, ये हत्याएँ रोकिए माननीय गृह मंत्री जी। आपके अधीन पुलिस आती है पूरे देश की, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, आप इन हत्याओं को रोकिए। दलित पिछड़े आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों पे जो जुर्म जाति बढ़ी है, इसको रोको, देश को बचाओ प्लीज़, देश में अमन चैन कायम होना चाहिए। सर आपको कितने समय से बैठा रखा है? हम लोग यहाँ करीब 2:30 बजे से बैठे हैं, 2:15 बजे से लगभग, और इंतजार कर रहे हैं कि हमने अपना बयान लिखित में दे दिया है। उन्होंने वो बयान DCP साहब को भेजा है, वो कह रहे हैं आप बयान आके दिखाओ, SHO उन्हें दिखाने गए। हमारा आज वाल्मीकि जयंती का घर पे प्रोग्राम है बंगले पर, जहाँ बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन SHO कह रहे हैं कि अभी रिक्वेस्ट करें कि रुक जाओ, तो हम रुक गए। अब जो लोग वहाँ हैं, मैं चाहूँगा या तो वो वहीं पर वाल्मीकि जयंती मना लें, हम जब फ्री हो जाएंगे हम आ जाएंगे। अभी कितना समय और बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं, वो भी जा रहे हैं दिल्ली गेट पे, अरुण जेटली स्टेडियम जा रहे हैं फिरोजशाह कोटला, तो वहाँ जाके DCP साहब को बयान दिखाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर बल्कि ये कहें कि गृह मंत्री जी के पास बयान जाएगा, फिर वो देखेंगे कि इसमें क्या करना है, उन्हें जो करना है करें। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कट्टर सिपाही होने के नाते, बाबा साहेब के बनाए संविधान में और देश के कानून में मेरा बहुत अटूट विश्वास है। मैं किसी भी कीमत पर बाबा साहेब के बताए मार्ग से विचलित नहीं हो सकता, उस मार्ग पर चलूँगा। और ये जो रोज़ रोज़ हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है, रोज़ रोज़ हमारे भाइयों के मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, हम देख रहे हैं मंदिर प्रवेश पर हत्या हो रही है, घड़े छूने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, ये हत्याएँ रोकिए माननीय गृह मंत्री जी। आपके अधीन पुलिस आती है पूरे देश की, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, आप इन हत्याओं को रोकिए। दलित पिछड़े आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों पे जो जुर्म जाति बढ़ी है, इसको रोको, देश को बचाओ प्लीज़, देश में अमन चैन कायम होना चाहिए।